मेरे गले में अटक गई थी गज। सच में एक बार तो डर गई थी मैं। आओ बेटा जल्दी आओ उठ के। मायरा मुंह बनाई हुई है। मायरू राधे राधे। ओए होए ओए होए मायरा मुंह बना रही है। एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो ठंड बहुत ज़्यादा है अभी और मैं दूध बना रही हूँ बच्चों को, क्योंकि मायरा तो मुँह बना के बैठी है, तो इनको दूध दे दूँगी बना के। हमें मुझे तो नहाना है और मायरू आ गई है। क्या लेके आए? इनके लिए मुँह बना देते हैं। चलो राधे राधे बोल दो, बोलो। मायरे के मुंह में भर रहा है, चलेगी तब बोलेगी। बोलोगे तब मायरा आपसे बोलेगी, आप थोड़ा वेट करना, तब तक मैं दूध बना लेती हूँ। ठंडी लग रही है। राधे राधे। चलो मायरा का मुंह ठीक हो गया, अभी मैं देख लूँ। इधर मैंने दही जमाई थी। वाओ दही तो जम गई मेरी। गिलास के लिए आज दूध बन गया दोनों का गरम गरम। लो अपना अपना गिलास ले लो, जल्दी लो। मायरो आप ही ले लो। बिस्किट चाहिए? ठीक है, भैया को तो नहीं मिलेंगे। इसको पता है कि इसको काम है लड्डू गोपाल जी को सुलाने का, पर इसने सुलाया नहीं और फिर मैंने सुलाया। आप मुझे बोल रहे हैं कि सुला दिया था, तो मैंने आपको झूठ बोला भाई। बैठे ही थे जब मैं सुलाने आई तब बैठे थे। कोई बात नहीं, अब आपका क्या रह गया? आपको हुआ नहीं क्या? क्या ये आपने लिए तो लिए थ्री बिस्किट? पहले मैं नहा के आती हूँ, थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। आंटी जाना मैं, तो मैं अभी नहा के चाय बनाऊंगी। हो गया काम वैसे? ना, बहुत ज्यादा ठंड हो गई। नहाना है बेटा आपको? डैडी को बोलो मैं चाय बना रही हूँ। चलो ठीक है, लेकिन आपको भी जाना पड़ेगा, कल आप नहाए नहीं थे। चाय तो आप नहा बेटा तब तक। कल आप नहाए नहीं थे ना? कल मायरा नहाई थी, तो आप दो दिन में नहाते हो तो नहा लिया करो। देख यहाँ पे बीच में सीढ़ी लगा रखी है इन्होंने, एक कमरा हमका जो है पूरा करके नहीं देते हैं। लड्डू जी नहाओगे नहीं क्या? देखो इस लड़के के वो देखो, दो दिन हो गए इसको नहाए, नहाना नहीं है क्या? ना लो फिर फटाफट। बिहान नहीं नहाया था बच्चे, ना दो दिन नहाते हैं, एक दिन मायरा नहाती है एक दिन बिहान नहाते हैं, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो दो दिन में तो नहाना चाहिए बेटा। चाय तो बना दी मैंने, चाय बन गई और मैंने इधर दूध रख दिया, वो दही रख दी है बिनने के लिए। आंटी को भी पता नहीं है मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरी नहीं, भैया जो काम कर रहे हैं ना उनकी ना, वो दूध लेने भेजे आंटी मैंने। हाँ आएंगे ना दूध देके, जब देखे। मैं तो इनको बता रही थी, देखते हैं थोड़ा सा इसका क्या हिसाब है। ठीक है भैया चाय ले लो आप अपनी। दूध मंगाया, दूध ख़त्म हो गया था, और जो हमारा भैंस का दूध आता है ना वो तो हमारा दोपहर तक आता है, और मैंने जो है अभी घी निकाला था ना वो दही जमाई थी उसमें ना दो तीन दिन की मलाई इकट्ठी हो रही थी, तीन दिन की थी और उसमें दूध काफ़ी था, तो इसलिए मैंने ना उसको जमा दिया, और उसका जो दूध है वो काम आ जाएगा, दूध की दही जम जाएगी और माखन निकाल के खा लेंगे, घी बना के खा लेंगे, एक ही बात है। थैंक यू सोनू। चाय उठ रहे नहीं क्या आप? और मायरू आज नहाएगी नहीं, कल मायरा नहाई थी, आज मेरा हेयर वॉश नहीं आया, कल मायरा का हेयर वॉश भी नहीं हुआ था। पहले घी निकाल दूं उसके बाद चाय पीऊंगी, क्योंकि आज ना मुझे कढ़ी बनानी है।
कढ़ी तो छोड़ दी है यहाँ मैंने, और ये पकती रहेगी तब तक मैं छोटे मोटे काम कर लूँगी अपने, और जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा घी निकला है मेरा 3 दिन का, तो ये भी मैंने साथ के साथ गरम कर दिया, गरम और कढ़ी बन रही है उधर, कि फिर ना इसको उठा के रख दूँगी, फिर 3 दिन के लिए होगा, और 3 दिन की मलाई होगी कि नहीं होगी, कई बार ऐसे ही होता है, दूध लेट आता है ना हमारा दूध, तो उसमें ना मलाई के चांस होते नहीं है कि मलाई जम जाएगी निकल जाएगी, तो ये बात होती है। दो बंदर यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, इधर मायरा खाना खा रही है, मेरी रोटी बन रही है, और ऊपर ना दो मंकी बैठे हैं धूप सेक रहे हैं, धूप ही सेक रहे हैं। ना मेरी रोटी जल गई है गाइस, देखो कई बार ना ऐसी रोटी भी बन जाती है, नहीं जलेगी अभी तो तवे के ऊपर है, मायरा बोल रही है मम्मा दूसरी रोटी भी जल जाएगी, ये रोटी ना इतनी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी। सो गाइस अभी ना धूप निकली है थोड़ी सी, तो सोच रही हूँ थोड़े से कपड़े धो लूँ मैं, और फिर थोड़ी सी चाय बना के पीऊँगी, और दूध ना आज चूल्हे पे गर्म किया था ना, तो थोड़ा सा जल्दी मैंने अंदर रख लिया, क्योंकि बंदर है ना आज वहाँ से गए नहीं हैं, आपको दिख नहीं रहे, बाहर जाके दिखाती हूँ, बंदर बैठे हैं ऊपर, वो भी नहीं नज़र आ रहे होंगे आपको, तो वहाँ पे बंदर बैठे हैं, और वो जो ब्लैक ब्लैक से थोड़ा सा दिख रहे हैं ना, वो है बंदर, और बच्चे बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं बाहर, तो इसलिए तो चूल्हे वैसे सेटअप सारा जो है बंद कर दिया, अभी चूल्हा गर्म है, राख उठाई है, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तब इसमें जो है लिपा पोती कर दूँगी, इसका जो है मेकअप वो भी ज़रूरी है, और ब्यान इधर मैंने इसको डांट दिया था, ये बाहर नहीं जा रहा था मंकी के चक्कर में, तो अभी मुंह बना के बैठा है, और धूप बहुत अच्छी निकल रही है, ब्यान अभी धूप में बैठा है, बेड के ऊपर थोड़ी सी धूप आ रही है, ब्यान के ऊपर पूरी धूप आ रही है। अच्छा मुंह नहीं बनाया हुआ ब्यान ने, ब्यान ने स्माइल कर दी, मेरे कपड़े इधर मैंने एक लोट लगा दिया, और फिर बाहर सुखा दूंगी, थोड़े से सूख जाएंगे, थोड़े कल सूख जाएंगे, वैसे तो धूप निकलने का ना चांस नहीं थे, लेकिन धूप निकली अच्छी खासी, और मैंने कपड़े धो दिए, सारे कपड़े धो के सुखा दिए, सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे ही थे, बच्चे तो 2 दिन में नहाते हैं, तो उनके तो एक एक जोड़ी कपड़े थे, और मैं दिन में 2 बार 2 जोड़ी कपड़े गंदे कर देती हूँ, तो मेरे कपड़े थे, तो अब है ना 4 बज गए हैं, और 4:15 हो गए हैं, मैम को आए भी बहुत टाइम हो गया, बहुत देर हो गई है, तो बच्चों की मैम आ गई, थोड़ी सी चाय बना, गुड़ खाओगे कि नहीं खाओगे, नहीं खाओगे, और गज्जक ये रेवड़ी नहीं क्यों, जोर तो बोल, गले में अटक जाएगी, वही मायरा का देखो मुंह, देखो मायरा के ना गले में अटक गई रेवड़ी, और मायरा को थोड़ा सा मैंने डांट दिया, तो मायरा गुड़ भी नहीं खा रही है, रेवड़ी भी नहीं खा रही, ये बात तो मायरा को समझ आ गई कि खाना खाते खाते कभी भी बोलना नहीं होता है, ओके, और खाना हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए, है ना, इधर बता दो फ्रेंड्स को, कहते फ्रेंड्स मेरे गले में अटक गई थी गज्जक, और आगे से मैं कैसे मुंह बंद करके खाना खाऊंगी, है ना, है बताओ, सच में एक बार तो डर गई थी मैं, डॉक्टर के जाने वाली थी, तो चाय बना दी मैंने सबकी, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़े से कपड़े उतार लूँ बाहर से, वरना उसका लॉक ख़राब हो रहा है डोर का, तो उसका लॉक लगाने आए हैं, तो चलने में क्या इसका उतरा हुआ है क्या भैया, नया लगेगा, नया ये नया बना के लाए आप, नहीं नहीं ये तो पुराना ही है ना, हाँ सबके सामने शिकायत करता तो आपकी इमेज खराब होती, इसलिए नहीं कुछ कहा, तो अभी तो आप बता दी बात है? बात अब तो खोल दी आपने,
अब नो तो आईना।